वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाव भाजी और आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं पंजाबी स्टाइल बिल्कुल एकदम टेस्टी पाव भाजी। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा होममेड पाव भाजी कैसे बनाते हैं। सबसे लेंगे पहले लेंगे हम थोड़ी सी मटर, और लेंगे हमने लिया एक गाजर, और हम लेंगे थोड़ा सा घिया, और लेंगे थोड़ा सा पिट्ठा, और हमने लिए दो बड़े साइज के आलू, देख सकते हो पूरे बड़े बड़े आलू लिए हमने। और हम इन्हें काटेंगे, और हमें इन सारी सब्जियों को करना है हमने बॉईल। हमारी वेजिटेबल्स कट के रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल हमने मोटी मोटी काटी हैं क्योंकि हमने बॉईल करनी है, और बाद में हमें इन सबको ब्लेंडर से ग्राइंड करेंगे हम। दोस्तों, अब हमने लिए हैं एक कटोरी राजमा छोले मिक्स बॉईल कर रखे हमने, दोनों को हमने बस एक ही कटोरी लेने हैं, और अब हम इन्हें भी पाव भाजी के अंदर डालेंगे। अब हमने लेने हैं 7-8 टमाटर। दोस्तों, हमने लिए हैं 7 टमाटर, और अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे और इसका तड़का बनाएंगे। दोस्तों, हमने हरी मिर्ची भी लेनी है तड़के के लिए, और इसको भी टमाटर के साथ हम ग्राइंड करेंगे। ये टमाटर ग्राइंड हो गए, रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह हमने पीस चुक लिया है, ले लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 2 कड़छी डालेंगे हम इसके अंदर बड़ी बड़ी, और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी टमाटर वाली प्यूरी। दोस्तों, अब हम इसको अच्छी तरह पकने देंगे टमाटर की अपनी प्यूरी को। हमने फुल फ्लेम ले रखी है दोस्तों, और अब हम इसे पकने देंगे अच्छी तरह। कम से कम इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये अच्छी तरह इतना पक रही है, और हम इतना अपनी इस सब्जी को मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे जो हमने बॉईल करी थी। सब्जी बिल्कुल बॉइल्ड हो गई, रेडी हो चुकी है, देख सकते हो फ्लेम आ रही है, और ये पक भी चुकी है बिल्कुल, देख सकते हो बिल्कुल पक चुकी है। और अब हम इन सबको ग्राइंड करना है। हमने ये पाव भाजी के लिए हमने लेनी है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पाव भाजी का मसाला, और धनिया पाउडर, चना मसाला, और गरम मसाला, और हमने लेना है एक अमचूर पाउडर भी। और हम ये सारे मसाले डालेंगे पाव भाजी के अंदर, तभी हमारी पाव भाजी बिल्कुल टेस्टी बनेगी। दोस्तों, देख सकते हो हमारी टमाटर की प्यूरी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, और एक चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर, और एक चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर चना मसाला, और एक चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला, और अब इसके अंदर डालेंगे 1.5 चम्मच कम से कम पाव भाजी मसाला, और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, और अब हम इन सबको मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे। दोस्तों, देख सकते हो हमारे टमाटर और बिल्कुल मसाले बिल्कुल पकने वाले हैं, देख सकते हो तेल छोड़ रहा है मसाले। और अब हम इसके अंदर जो भी हमने ग्राइंड करी थी पाव भाजी की पेस्ट, और वो डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों, देख सकते हो हमारे मसाले बिल्कुल पक के बिल्कुल बढ़िया तरह रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो तेल छोड़ रहे हैं हमारे मसाले, और हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने पाव भाजी की सब्जी ग्राइंड करी थी, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब पेस्ट डाल रहे हैं पाव भाजी का, और हम इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारी पाव भाजी देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया। और इसके अब मिक्स करेंगे अब हम। दोस्तों, हमारी पाव भाजी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है भाजी, और अब हम आपको पाव दिखाएंगे कैसे सेकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारी भाजी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम तैयारी करेंगे पाव की, और चलते हैं पाव को गर्म करने के लिए। दोस्तों, अब हम ले रहे हैं हार्वेस्ट गोल्ड की बॉम्बे पाव। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया पाव होती है, और अब हम इसको देसी घी में फ्राई करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो
देख सकते हो हमारी पाव की कटिंग हो चुकी है। हमने ऐसे बीच में से कट करनी है पाव को, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरह फ्राई होएगी। और अब आपको दिखाएंगे देसी घी में फ्राई करेंगे इसको धनिया मार के एकदम बढ़िया तरह। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी पाव भाजी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हो हमने कितनी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करी है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों एक नंबर की बनी है। दोस्तों आप भी हमारी रेसिपी बिल्कुल ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसी बनी आपकी पाव भाजी। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।